हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं, अब जो ब्लास्ट चल रहा है, इंग्लिश T20 ब्लास्ट चल रहा है, इसका जो मैच खेला जाएगा लिस्टरशायर और वर्सशायर, इसकी वीडियो मैं आपको दूंगा। वर्सशायर में मैच खेला जाने वाला फ्रेंड न्यूट्रल विकेट है, ध्यान रखना 160 के आसपास यहाँ पर स्कोर बन सकता है, तो आपको अपनी टीम उसी हिसाब से क्रिएट करनी है। बाकी फ्रेंड मैं यहाँ से ऊपर की सारी वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपने अब तक नहीं देखी हो तो समरसेट की और ससेक्स की वीडियो हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो। बाकी तीसरे वीडियो में यहाँ पर यॉर्कशायर की भी यहाँ पर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो इन वीडियोस को हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हो। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने एक वीडियो और अपलोड कर रखी है जो हमारी फंटासी प्लेयर चंद की जो वीकली विनिंग्स है उसमें मैंने सारे अपने स्क्रीनशॉट जो लास्ट वीक में हमारा परफॉर्मेंस रहा था, हमारी टीम्स का विन और लॉस्ट सब कुछ वहाँ पर दिखाया गया, तो उस वीडियो को जरूर देखना। होगा क्या, उससे पता चलेगा आपको कि हम आपके लिए यहाँ पर कैसा काम कर रहे हैं। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हम आपके लिए कैसा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, ताकि हमारी सारी जो टॉस के बाद अपडेटेड टीम्स होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। ठीक है फ्रेंड, तो इन वीडियोज को जरूर देख लेना। तो बात करते हैं लिस्टरशायर और वर्सशायर में जो मैच खेला जाएगा। वर्सशायर में मैच खेला जाएगा, न्यूट्रल विकेट है, बाकी यहाँ पर स्कोर 160 के आसपास बन जाता है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी टीम क्रिएट करनी है। टीम मैंने यहाँ पर बना रखी है, डायरेक्ट में आपको टीम एडिट करके दिखा दूंगा कि क्या किस तरह की मेरी टीम रहने वाली है, क्या मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन क्या मेरे टीम का कॉम्बिनेशन रहेगा, जो आपको यहाँ पे हेड टू हेड 3 मेंबर में अच्छा खासा विन करा सकता है। तो फ्रेंड बातों को ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे वीडियो को देखना आपको, तभी आपकी समझ में सब कुछ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं आएगा। हमारी टीम देखने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बातें सुनोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ पर इस पिच पर ऐसा होता, तो फिर हमें इस हिसाब से अपनी टीम क्रिएट करनी है। तो इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। विकेट कीपर की बात करें, विकेट कीपर में स्वीडनल्स को रखा हुआ ओपनिंग आते हैं, बाकी आप बैनकॉक्स को भी तो हिल को भी रख सकते हो, ये भी यहाँ पर खेलने वाले हैं। बाकी बैट्समैन की बात करें फ्रेंड, जिस हिसाब से विकेट है उस हिसाब से जो मुझे बेस्ट बैट्समैन लगे उनको मैंने रख लिया यहाँ पर। अगर आप रखना चाहते हो तो आप अलग से प्लेयर को रख सकते हो, क्रेड का कोई इशू आने वाला नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कौन खेलने वाला है कौन नहीं खेलने वाला, पूरी प्लेइंग लाइन बताई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा, बस वीडियो को बिना स्किप करके पूरे देखना है। ठीक है फ्रेंड, तो बात कर लेते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स मैंने 4 बॉलर रखे हैं, और फ्रेंड उससे पहले एक चीज़ और, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बल्लेबाजी प्लेयर स्पॉट में तो प्लीज़ प्लेयर स्पॉट के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। बल्लेबाजी की टीम तो मैं यहाँ पर देता ही हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं उसके बाद आपको प्लेयर स्पॉट की भी टीम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया करूँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, और साथ ही में रेफरल कोड दिया गया जिसे यूज़ करके आप बोनस ले सकते हो, हेड टू हेड किसी ग्रैंड लीग में उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं बैट्समैन की। 4 मैंने बैट्समैन रखा, मार्टिन गुप्टिल को रखा, रिकी वेसल्स को रखा, मार्क कॉसग्रोव को रखा, जो चौथे बैट्समैन यहाँ पर रहने वाले हो कॉलिंग फर्गूसन को रखा हुआ मैंने यहाँ पे। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे वेटली खेलने वाले इनको ले सकते हो, बाकी और कुछ खास ऑप्शन है नहीं, मैं स्मॉल लीग में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। और के बारे में बैट्समैन के ऑलराउंडर की बात करें फ्रेंड, मैंने 3 ऑलराउंडर रखे हुए हैं, और प्लीज़ फ्रेंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ बेल आइकन भी ऑन कर देना साथ में, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, हमारी सारी टीम्स आपको वहीं पर दी जाती है। मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो बट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते, जिसकी वजह से आपको अपडेटेड टीम्स नहीं मिल पाती हैं, तो उसमें आपका लॉस हो जाता है, फिर आप उसके ब्लेम के हकदार हम बनते हैं कि आपकी टीम से हारें। तो ऐसा मत करना फ्रेंड, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मोटिवेट कीजिए, आपके लिए अच्छा काम करेंगे, आपको अच्छी टीम देंगे। अगर डीमोटिवेट करोगे तो फ्रेंड मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर, मैं अगर ऐसे डीमोटिवेट होता रहा तो मैं खुद भी हारूँगा और आप भी हारोगे। तो फ्रेंड इसलिए प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, अपने वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। तो ऑलराउंडर मैंने 3 ऑलराउंडर रखे, कॉलिंग अकरमैन है, वैनी पैरनल है, और जो तीसरा ऑलराउंडर मेरे यहाँ पे कॉलिंग सी पार्किंसन है। बाकी अगर रखना चाहते हैं ब्रैडी ऑलविरा को रख सकते हो, बाकी नील डेक्सर का कोई खेलना कन्फर्म नहीं है, मोइन अली का कन्फर्म नहीं है, डेल मिचल खेलने वाले, अगर इनको रखना चाहते हो तो आप इनको रख सकते हो। बाकी बात कर लें बॉलर्स की, 3 मैंने यहाँ पर बॉलर्स रखे हैं जो मुझे अच्छे लगे मैंने रख लिया। अगर आपको लगता है कि इनसे बेस्ट बॉलर जो आपकी नज़र में है, जो आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, तो आप उनको रख सकते हो। यहाँ पे पैट ब्राउन को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरे में यहाँ पर एरोन लिनली है, तीसरे मेरे यहाँ पर डी पेनिंगटन है। ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर ग्रिफ्थ खेलने वाले हैं, कैलिन खेलने वाले हैं, उसके बाद बर्नार्ड खेलने वाले हैं, रोड्स खेलने वाले हैं, अगर उनको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। और तो नहीं कहूँगा मैं, बट यहाँ पर कैलिन और एडी बर्नार्ड जो है ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बैटिंग लिए भी बर्नार्ड थोड़ा ऊपर आ जाते हैं,
बट फ्रेंड मैं नहीं ले रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लास्ट जो सीजन था इनका ईडी बर्नार्ड का काफ़ी अच्छा गया था, बहुत ही खतरनाक प्लेयर हुए थे लास्ट सीजन में, मगर इस सीजन में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। एक या दो विकेट भाई, इससे ज़्यादा और अच्छे ऑप्शन है हमारे पास लेने के लिए, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ले फ्रेंड, कैप्टन मेरे यहाँ पे रहने वाले कॉलिंग फर्गुसन और वाइस कैप्टन रखने वाला हूँ मैं यहाँ पे कॉलिंग अकरमैन को। फ्रेंड जिस हिसाब से पिच है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ओपनर्स ज़्यादा यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी कौन क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं, क्रिकेट है। बट थोड़ा एक एक्सपीरियंस है मेरा जो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि यहाँ पर अधिकतर लोगों के पास आपके पास डिफॉल्ट चॉइस मार्टिन गुप्टिल कैप्टन वाइस कैप्टन मिलने वाले हैं और कॉलिंग अकरमैन मिलने वाले हैं, बट आप थोड़ा सा अलग हटके जाओगे अगर इनकी बैटिंग पहले आती है, वर्सेस्टर की बैटिंग पहले आती है, तो फिर आप यहाँ कैप्टन कॉलिंग फर्गुसन को बना के, जहाँ तक मुझे लगता है हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं मार्टिन गुप्टिल और रिकी वेसल्स के मुकाबले, क्योंकि रिकी वेसल्स और मार्टिन गुप्टिल लास्ट में इन मैचेस में काफ़ी ज़्यादा कर गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठ गया है मार्टिन गुप्टिल और रिकी वेसल्स का, इसलिए लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं कैप्टन वेसल्स में। बाकी थोड़ा सा अलग हटके चलिए तो थोड़ा अच्छा खासा आप यहाँ पे विन के चांसेस बढ़ा सकते हो। तो ये रहेगी मेरी टीम हेड टू हेड और थ्री मेंबर लीग की, अगर आपको हमारी टीम पसंद आती तो आप हमारी टीम के साथ जा सकते हो। बाकी बात कर लें ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन मैं कहूँगा या तो पैनल को बना लीजिए या फिर यहाँ से एरोन लिल्ली पे बहुत कम लोगों की नज़र रहने वाली है, आई थिंक वन डाउन खेलने के लिए आते हैं और ये बॉलिंग भी करते हैं तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज आप अपना खुद से कोई ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट कीजिए। ग्रैंड लीग की टीम्स मैं नहीं देता फ्रेंड, मैं क्या आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा, सारे टिप्स बता सकते हैं कि ऐसा करके ऐसा कर सकते हो, क्योंकि सारे लोग वही यूज़ करते हैं जो यूट्यूबर, तो वो खुद वही चीज़ यूज़ करते हैं, तो आपको टिप्स बता दी सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर ग्रैंड लीग आपको नहीं देते, बट ये है कि हेड टू थ्री मेंबर की लीग आपको यहाँ पर कन्फर्म मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड ये रही थी हमारे लिस्टरसायर और वॉर्सेस्टर के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसकी टीम, बाकी इसके बाद जो आएगी अब यहाँ पर कैंट और हैम्पशायर का जो मैच खेला जाएगा इसकी वीडियो मैं यहाँ पर आपको लास्ट जो T20 प्लस का लास्ट मैच है इसकी वीडियो यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर जो कनाडा T20 का खेला जाएगा इसकी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, या तो कनाडा की दूंगा या फिर यहाँ पर आपको जो TNPL के मैचेस खेले जा रहे हैं इनकी टीम दूंगा, वो डिसाइड करूंगा मैंने थोड़ी देर बाद थोड़ा रेस्ट लेने बाद, क्योंकि काफ़ी वीडियोज मैं कंटिन्यूसली डाल चुका हूँ, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं आपको वीडियोज बता दूंगा। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर और टेलीग्राम साथ में जरूर ज्वाइन करना, आप ही का फायदा होने वाला है, बहुत लोग अच्छा खासा विन कर रहे हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं काफ़ी अच्छा खासा विन कर रहे हैं, तो आप भी उनमें से बनिए, आप भी अच्छा खासा एक्साइटेड विन कीजिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लोग बहुत वीडियो देखते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, तो इसलिए लोग उस चीज़ के पीछे भागते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा हटके चलिए, आपको हमारी टीम्स और यूट्यूबर्स के मुकाबले काफ़ी हटके मिलने वाली हैं, तो फ्रेंड इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी टीम भी थोड़ा खुद से भी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। तो चलिए फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी इस T20 ब्लास्ट की जो वीडियो आपकी नेक्स्ट आने वाली है उसके लिए, और बाकी अपने विनिंग्स वाली वीडियो जरूर देखना, उसे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। ओके फ्रेंड गुड बाय।